उत्तराखंड में एक भाजपा नेता की बेटी की मुसलमान से शादी का मामला तुल पकड़ रहा है। लोग इसे लव जिहाद से जोड़कर देख रहे हैं। हिंदू संगठनों की नाराजगी के बाद भाजपा नेता को यह कहना पड़ रहा है कि उनकी बेटी मुस्लिम से शादी कर रही थी, लेकिन फिलहाल सभी वैवाहिक कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए हैं। द केरला स्टोरी और लव जिहाद जैसे मामलों के बीच उत्तराखंड के पौड़ी में एक भाजपा नेता यशपाल बेनाम एक मुस्लिम युवक के साथ अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं। शादी का कार्ड वायरल होते ही इसका विरोध शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर भी नेताजी के यहाँ शादी का ये कार्ड खूब वायरल हुआ। धार्मिक संगठनों के अलावा राजनीति भी इस मामले पर गर्मा रही है। ये शादी भाजपा नेता के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। तमाम धार्मिक संगठन इसे लेकर आग बबूला हैं। कुछ लोग इसे देवभूमि का अपमान बता रहे हैं, जिसके चलते भाजपा नेता ने अपनी बेटी की शादी को स्थगित करने का फैसला लिया है। भाजपा नेता यशपाल बेनाम नगरपालिका के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनके इस फैसले से लोग उनसे चिढ़ गए हैं। इस विवाह समारोह को लेकर गौरक्षा और बजरंग दल ने जिलाधिकारी गढ़वाल को भी एक ज्ञापन सौंपा और ये शादी रुकवाने की मांग की है। देवभूमि देवभूमि रहेगी। हम भी फरीदाबाद से आए, सिर्फ यही सुनकर इस वीडियो को देखकर हमें भी ठेस पहुंच गई। हमारी देवभूमि बचाने के लिए पूरे हिंदुस्तान में एक ही देवभूमि जिसको देवभूमि बोला जाता है, इस भूमि को अगर इस्लामाबाद भूमि बोलेंगे तो कौन यहाँ पे आएगा। इसकी संस्कृति को बचाने के लिए और मैं सरकार से मांग करता हूँ ऐसे नेताओं का तुरंत उसको पद से बहिष्कार करें। लोगों के विरोध को देखते हुए यशपाल बेनाम ने इस शादी समारोह को स्थगित करने की बात कही है। यशपाल बेनाम ने कहा कि उनकी बेटी की शादी मुस्लिम युवक के साथ होने जा रही थी। वे अपनी बेटी की भावनाओं को देखते हुए इस समारोह को पौड़ी में करने जा रहे थे, मगर जिस तरह से धार्मिक संगठनों द्वारा इस समारोह का विरोध करने का फैसला लिया गया तो उन्होंने जन भावनाओं की कद्र करते हुए इस समारोह को स्थगित करने का निर्णय लिया है। बेनाम ने कहा कि शादी करने का निर्णय उनकी बेटी ने परिवार की सहमति के बाद लिया था। पुलिस के उपस्थिति में मैं समझता हूं कि शादी कराना मुझे कुछ स्वयं शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि तमाम हमारे जो स्थानीय संगठन है उन्होंने भी विरोध प्रदर्शन का मन बनाया है। वो भी अपने परिवार के हैं, पौड़ी का मैं नेतृत्व कर रहा हूं, तो अनुकूल माहौल न हो पाने के कारण और जनता का ध्यान रखते हुए हमारे परिवार ने, हमने और ऊपर पक्ष के परिवार ने ये तय किया है कि हमारे जो 26, 27, 28 को होने वाले विधायक कार्यक्रम थे उन्हें हम नहीं करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।